दिन प्रतिदिन बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार भी इन घटनाओं पर काफी चिंतित है, जिसे देखते हुए सरकार व परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी के तहत इन दिनों सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नाम पर 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए कई प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं। चंबा के बचत भवन में 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त चंबा हरिकेश मीणा, एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका सहित जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान चंबा के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिन्हें एसपी चंबा द्वारा सड़क सुरक्षा और बच्चों को वाहन ना दिए जाने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आरटीओ चंबा ओंकार सिंह ने बताया कि विभाग दुर्घटनाओं के मामलों को रोकने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर वाहन चालकों विशेषकर बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जो सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, वे राष्ट्रीय स्तर पर 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें मेन गतिविधियां हमारी जो होंगी, हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे, अधिक से अधिक यातायात नियमों के बारे में लोगों को बताएँ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सबका एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि हम सड़क पर एक अनुशासन रखें, यातायात नियमों का पालन करें और अमूल्य जिंदगियां बचाने में अपना सहयोग दें, ताकि एक अच्छे समाज की संरचना हो सके और हम अमूल्य जीवन बचा सकें और सारे ही यातायात नियमों का पालन करें। मेरी सभी से ये अपील है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।